कास्ट अ शैडो 8 मीटर, मतलब क्या, एक वर्टिकल स्टेकेस की शैडो जो है वो आपकी 8 मीटर है और ये इसकी जो लेंथ थी वो 12 मीटर लॉन्ग थी। एट द सेम टाइम सेम टाइम एक टावर है जो एक शैडो 40 मीटर लॉन्ग करता है और इसकी हाइट बतानी है टावर की हमको, हाइट हमने एच मान ली। अब एक चीज याद रखना, हमें पता है ग्राउंड से ये चीज तो 90 डिग्री होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप दो ट्राइंगल को सिमिलर करोगे, अब कहोगे सर सिमिलर कैसे होगा, तो सिमिलर करना आसान है। आपको करना क्या है, पहले तो आप लिख देना ये बी और ये ई 90 डिग्री, क्योंकि भाई ग्राउंड से परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल बी बराबर एंगल ई 90 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा एंगल कहीं भी इक्वल दे नहीं रखा है तो आप लेकिन कर सकते हो, कैसे, अगर लिखा है एंगल एट द सेम टाइम तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। एंगल एट द सेम टाइम मतलब एंगल ए बराबर एंगल डी जो है, ये आप लिख देना पेपर में एंगल एट द सेम टाइम, ये लाइन लिख देना एंगल एट द सेम टाइम, ये एंगल बराबर होता है, एंगल एट द सेम टाइम। अच्छा अब कोई कहे सर ये थोड़ा लॉजिक बताओ सर क्यों होता है, बता सकता हूँ कैसे। मान लो आपका एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, और मान लो रे एक ऐसी आ रही है, मान लो सन की एक रे आ रही है ऐसी ऐसे ऐसे, तो आप समझ जाओ तो ये एंगल और ये एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा कि नहीं होगा, छोटा भाई और बड़ा भाई। कितने बच्चों को समझ में आ गया, कितने बच्चों को समझ में आ गया, आ गया तो बस। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिख लो, 12/h इज इक्वल टू 8/40, तो ये 5 टाइम्स कटेगा तो h बराबर 60 आ जाएगा, कितना आ गया h बराबर 60 मीटर आ गया। ठीक है क्लियर हो गया h बराबर 60। मैं फिर से बता दूं ये मैंने कैसे था कि ये बराबर है, देखो एक आपका बड़ा भाई है और आप छोटे भाई हो, सन की रे मान लो ऐसी आई, रे एक रे आई ऊपर से इधर से, तो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में देखें तो ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं हो रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे, बस मैंने दो ट्राइंगल अलग अलग बना दिए, इस बार अलग अलग बना दिए, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, ऊपर वाला एंगल बराबर होता है। ठीक है